नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप, आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर, पूर्व राज्यसभा सांसद शरद यादव और बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मंगलवार देर रात मुलाकात हुई। शरद यादव 3 साल बाद दिल्ली से पटना पहुंचे थे। तेजस्वी यादव और शरद यादव एक होटल में मिले और उनके बीच बातचीत हुई। कयास लगाया जा रहा है कि शरद यादव जल्द ही सीएम नीतीश के साथ साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मिलने जाएंगे। हालांकि इसको लेकर शरद यादव की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। शरद यादव से मुलाकात के में उन्होंने कहा कि लंबे अरसे बाद शरद यादव पटना आए हैं, यह हम सब के लिए खुशी की बात है। तेजस्वी ने कहा कि हम सब एक ही दल में हैं, हमारा फर्ज भी है और वे हमारे अभिभावक हैं, इसलिए उनसे मिलने चला आया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वे अपना आशीर्वाद देकर जाएंगे। बड़े लंबे अरसों बाद जो है जी शरद जी पटना आए हैं और बड़ी खुशी की बात है। और हमारा जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो सबसे पहले जो है उनसे हम लोग मिलने आए और तो हम लोग सब एक ही दल में हैं जी और हमारा फर्ज भी है, हमारे तो अभिभावक है, नेता है, उनसे मिलने आए हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं कि पुनः काफ़ी लंबे अरसे बाद यहाँ आए, अपना आशीर्वाद दे के जाएँ। बड़े लंबे अरसों बाद जो है जी शरद जी पटना आए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी पटना से प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव, पूर्व राज्यसभा सांसद शरद यादव और बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है कल रात, तो क्या कुछ कयास लगाया जा रहे हैं इस मुलाकात के? देखिए, शरद यादव आरजेडी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और लंबे समय से काफी बीमार चल रहे थे। करीब 3 साल के बाद राजधानी पटना पहुंचे। कल ही उनको राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कल देर रात रावड़ी आवास में समीक्षा बैठक बुला ली थी और भी उनके कई कार्यक्रम थे, जिस कारण शरद यादव वहां नहीं पहुंचे मिलने के लिए। और शरद यादव की थोड़ी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने आराम करना बेहतर समझा। और सारा कार्यक्रम खत्म करने के बाद देर रात तेजस्वी यादव पटना के निजी होटल में, जहां शरद यादव रुके थे, वहां गए। उनसे करीब आधे एक घंटे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और उसके बाद जब तेजस्वी यादव बाहर निकले तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं, पिताजी के मित्र भी हैं, तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, बिहार आए हैं तो उनका आशीर्वाद लेने हम आए थे, बातचीत हुई है। लेकिन देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि बातचीत हुई है कि किस तरीके से विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए, क्योंकि अभी राजद या फिर जदयू दोनों का प्रयास यही है कि विपक्षी दलों को अधिक से अधिक एकजुट किया जाए। और कहीं ना कहीं शरद यादव वरिष्ठ नेता हैं, काफी विभिन्न दलों के नेताओं से उनकी बातचीत है, तो तेजस्वी यादव ने उनसे बातचीत की और कहा कि किस तरीके से विपक्ष को एकजुट किया जाए, इसकी रणनीति बनाई जाए, और जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी 24 में सफलता मिलेगी। यानी कि अब जो तैयारी है 2024 की, उसमें नीतीश कुमार भी लग चुके हैं, तेजस्वी यादव भी लग चुके हैं, और इसी मुहिम के तहत जो तमाम कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। अनुष्का, धन्यवाद प्रणव तमाम जानकारियों के लिए।